राजधानी शिमला में रविवार दोपहर एक कार अनियंत्रित होकर होटल की पार्किंग में गिर गई। इस कार में दो सवार घायल हो गए हैं। हादसा छोटा शिमला थाना क्षेत्र के तहत सर्कुलर रोड पर होटल हिमलैंड के बाहर हुआ। जानकारी के अनुसार रामपुर से दो लोग कार में सवार होकर शिमला की ओर जा रहे थे। इस दौरान सर्कुलर रोड पर कार अनियंत्रित हो गई, जो कि सड़क के पैराफिट को तोड़ते हुए होटल हिमलैंड की पार्किंग में जा गिरी। कार चालक को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कार सवार दूसरा व्यक्ति सुरक्षित है। चालक की लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पार्किंग में गिरने के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान कोई राहगीर कार की जद में नहीं आया। शिमला पुलिस द्वारा इस दुर्घटना को लेकर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, मेरा नाम मनोज है। ये हादसा मेरे आंखों के सामने हुआ करीब 2 बजे के आसपास का। मैं अपने काम से छोटा शिमला की साइड जा रहा था, तो ये भाई साहब थे गाड़ी में, ये सामने से आए और शायद ओवर स्पीड में थे और गाड़ी से कंट्रोल से बाहर हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में? करीब 3 लोग सवार थे, एक लेडी एक जेंट्स रहेंगे। तो सारे सेफ है? जी बिल्कुल सर।